नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सौरभ और आज जो है हम लोग पी की क्लास चालू करने वाले हैं जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे यानी कि पूरा सेट पेपर ही कराया जाएगा लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेके आया गया है जिसकी वजह से आपको जो आने वाले पेपर में उसमें फ़ायदा मिले और कल थोड़ा सा बिजी था इस वजह से मैं कल कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया उसके लिए माफ़ी चाहेंगे चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अतरंजी खेड़ा पुरात्विक स्थल कहाँ स्थित है तो ये कहाँ स्थित है ये स्थित है उत्तर प्रदेश के जो है एटा जिले में कहाँ एटा जिले में ठीक है राज्य अभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है ठीक है तो ये किसमें किया गया है जो ये सी नंबर में किया गया एतरे ब्राह्मण जो है ये इसमें किया गया है और ये जो है ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ठीक है इसमें जो है राज्यभिषेक समारोह का विवरण दिया गया है तो ये किसका है ये ऋग वेद में है ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं क्या कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था ठीक है जो है इन्होंने कहा दिया था सारनाथ में दिया था ठीक है और ये जो है इसको क्या कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है क्या कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया था तो लाहौर जो है पाकिस्तान में बादशाही मस्जिद का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब द्वारा कराया गया किसके द्वारा औरंगजेब द्वारा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अठारह के विद्रोह के दौरान मुग़ल सम्राट था तो जो अठारह जो विद्रोह था उसमें जो मुगल सम्राट था वो कौन था ये था बहादुर शाह जफर ठीक है कौन था बहादुर शाह यानी कि द्वितीय ठीक है और चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था बदरुद्दीन तैयब जी थे ठीक है चलिए आगे देखते हैं किस अधिनियम को मॉन्टे मॉन्टेग्यूम्स मां, चे, चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है तो ये किसको जाना जाता है ये अधिनियम 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है फिर देखते हैं आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कल्याणकुरम में व्यवस्थित करना है ठीक है चलिए देखते हैं जो सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले हुआ था बंगाल विभाजन कब हुआ था उन्नीस पाँच में हुआ था ठीक है एक सेकंड, ये 1905 में ठीक है फिर दूसरा उसके बाद में क्या हुआ था दूसरा हुआ था चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था 1917 में हुआ था ठीक है फिर जलियावाला बाग हत्याकांड जो है ये 1919 में हुआ था तो यानी कि कौन सा मिलता है दो एक तीन तो दो एक तीन ये किस में मिल है तीन सीड वाले ऑप्शन में

जो 19 छ जुलाई 1944 को रेडियो पर बोलते हुए महात्मा गांधी को इन्होंने जो है राष्ट्रपिता संबोधित किया था तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही सुभाष चंद्र बोस चलिए आगे देखते हैं पूछा गया ग्यारहवें क्वेश्चन में किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है तो यह किसके साथ लगती है हमारी हमारी यह लगती है बांग्लादेश के साथ कितनी लगती है चालीस एक सेकेंड चालीस छियानवे दशमलव सात किलोमीटर ठीक है ये इतनी सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है ठीक है चीन के साथ कितनी लगती है ये चीन के साथ लगती है चौंतीस अट्ठासी ठीक है चौंतीस अट्ठासी फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है तैंतीस तेईस और नेपाल नेपाल के साथ कितनी लगती है ये लगती है सत्रह सौ ठीक है चलिए अगला देखते हैं फिर अगला क्या कह रहा है एक सेकेंड चलिए बारह कुछ, बारहवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाथुला दर्रा में स्थित है नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है ये हमारा देखिए पाकिस्तान भूटान नेपाल ये भारत यानी कि ये कहाँ स्थित है स्थित है हमारा भारत में और कहा भारत के किस राज्य में है यह सिक्किम राज्य में है ठीक फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है ठीक है चलिए देखिए गिर गुजरात में है रणथंबोर राजस्थान में है केबुल की, मान जाओ मणिपुर में है और साइलेंट वैली कहाँ है केरल में तो हमारा सबसे ज़्यादा सही कौन सा है केबुल मानजाओ लामजाओ जो है ये मणिपुर में है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर लिखा है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है देखिए कौन सा क्रम सही है सबसे पहले आता है बुध फिर आता है शुक्र फिर आता है हमारा पृथ्वी मंगल फिर उसके बाद बृहस्पति शनि फिर अरुण और वरुण ठीक है तो देखिए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बुद्ध शुक्र पृथ्वी मंगल बुद्ध पृथ्वी बुध मंगल बुध नहीं पहला कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा ठीक नाइन्टी ईस्ट रिज कहाँ पर उपस्थित है यानी कि नाइन्टी ईस्ट रिज जो है कहाँ स्थित है तो ये कहाँ स्थित है हिंद महासागर में स्थित है कहाँ पे? हिंद महासागर में स्थित है और जो है एक कटक का नाम है ये किसका नाम है ये कटक का नाम है इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन सही हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं फिर पूछा गया हमसे हम कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर चलें। ठीक है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है तो कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व यानी कि साथ में लेके चले तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला फिर 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं ठीक है तो हमसे ये पूछा गया है सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं बिनेमे, बिनेमे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है माधवी पुरी क्या नाम है माधवी पुरी बुच नाम है इनका ठीक है सेबी की फुल फॉर्म क्या हुई भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन विनिमय बिने, बोर्ड चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर अठारवा क्वेश्चन क्या कह रहा है उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था ठीक है ये कब हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कब 1956 से लेके 1961 तक तो 1956 से इकसठ तक ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था ठीक है इसे जो है पीसी महान महानबोलिस मॉडल पर मॉडल भी कहा जाता है यानी इसे कहा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है पीसी महान बोलिस मॉडल ये जो है उसी पर आधारित थी चलिए क्वेश्चन नंबर उन्नीस देखते हैं क्या कह रहा है हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है ठीक है देखो जो दो, दो लोग हैं एक तो हमारा जो है वैश्विक स्तर यानी कि विश्व में माना जाता है तो वो किनको माना जाता है नॉर्मन बोर्लॉक को माना जाता है ठीक है और भारत में हरित क्रांति का जनक एम स्वामीनाथन पूछा गया है तो अब देखिए इसमें हरित क्रांति का जनक ही लिखा है तो इसमें अगर भारत नहीं दिया तो इसका मतलब ये विश्व के लिए पूछा गया तो कौन हो जाएगा नॉर्मन ये भाई लग जा तो ये कौन हो जाएंगे ये हो जाएंगे नॉर्मल बोर लॉग हो जाएंगे चलिए आगे देखते हैं देखिए बीसवा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया के नाम से जाना जाता था तो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जानते थे ठीक है चलिए फिर संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे तो संविधान सभा के पहले जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे ठीक है और ये कब बने थे 9 दिसंबर 1946 को बने हुए थे और कितने दिनों के लिए बने थे सिर्फ दो दिन के लिए और 11 दिसंबर 1946 को कौन बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे ठीक है चलिए फिर भारतीय संविधान के निम्न में किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन दिया गया है ठीक है मौलिक अधिकार हमारे कहाँ से कहाँ तक हैं ये हमारे बारह से पैंतीस तक हैं और ये किस भाग में है? भाग नंबर तीन में है ठीक है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है ठीक है तो हमारा ये समान नागरिक संहिता से कौन सा संबंधित है तो ये हमारा भारतीय में कौन समान नागरिक संहिता है तो देखिए हमारी नागरिक संहिता जो है वो छत्तीस से इक्यावन तक दे रखी है भाग चार में ठीक है तो छत्तीस से इक्यावन दे रखी है एक सेकेंड ठीक है तो इसमें हमारे छत्तीस से इक्यावन तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं राज्य के नीत निर्देशक तत्व दे रखे हैं और उसी में हमारा अनुच्छेद 44 जो है वो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान करता है तो अनुच्छेद 44 हो जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर चौंतीस देखते हैं क्या कह रहा है चौबीस भारत में भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है देखिए भारत के जो वित्त आयोग की नियुक्ति है वो हमारे जो है अनुच्छेद 280 में के तहत प्रत्येक पाँच वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है ठीक है अनुच्छेद दो सौ एक के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति करता है ठीक है जो है उसमें जो है चार अध्यक्ष होते हैं हमारे वित्त आयोग जो बनाया जाता है उसमें हमारे चार अध्यक्ष और एक अध्यक्ष और चार जो होते हैं उनके अन्य सदस्य बनाए जाते हैं ठीक तो है तो हमारा इसकी नियुक्ति कौन करता है भारत के राष्ट्रपति करते हैं फिर दिया है संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया ठीक है कब हुआ था संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और इसमें भारतीय संविधान के भाग नौ जोड़ा गया था ठीक है और इस भाग नौ में हमारा क्या है पंचायत है क्या है पंचायत है यह कौन सा है इसमें पन्? पंचायत है भागनऊ में हमारा क्या है पंचायत है ठीक है चलिए फिर छब्बीस नंबर क्या कह रहा है कह रहा है पारसेक की इकाई है देखिए पारसेक हमसे पूछा गया है जो है पारसेक क्या है एक लंबी लंबा लंबाई की वैसे मात्र लंबाई नापी जाती है लेकिन क्या होती है बहुत लंबी दूरी के लिए किया जाता है तो जो जो हम कह सकते हैं कि जो अंतरिक्ष दूरियां होती हैं वो हमारी किसमें मापी जाती हैं वो हमारी पारसेक में मापी जाती हैं तो पारसेक की इकाई हो जाएगा तो किसकी हो जाएगा हमारी दूरी का हो जाएगा किसका दूरी का चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कह रहा है एक सीधी सड़क पर कार की गति किसका उदाहरण होती है किस गति का उदाहरण होती है देखो सीधी सड़क पर जो कार चलेगी ठीक है वो एक रेखी जो है गति का उदाहरण होगी यानी कि जो ये कह सकते हैं कि क्योंकि वो सड़क पे सीधी में चल रही है तो वो रेखीय गति अगर वृत्त में चलेगी तो वृत्तीय गति ठीक है अगर वो जिग जैग पोजिशन में तो अनियमित ऐसे ही तो हमको यहाँ से किसकी गति का उदाहरण हो जाएगा ये रेखीय गति का उदाहरण हो जाएगा फिर अट्ठाईसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं ठीक है जो समस्थानिक मतलब आइसोटोप्स होते हैं वो प्रोटॉनों की संख्या के समान होते हैं समस्थानिकों में होते हैं उनमें क्या होता है देखिए सबसे पहली बात तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए वो आइसोटोप्स होते हैं उनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है ठीक है अर्थात ये कह सकते हैं कि इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं ठीक है जो भी हमारे आइसोटोप्स होते हैं इनके क्या होते हैं इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी वो हमेशा अलग अलग होगी तो इसलिए हम ये क्या कह सकते हैं कि जब अगर इनके परमाणु क्रमांक समान है तो उनके द्रव्यमान की संख्या भिन्न भिन्न होती है तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो परमाणु संख्या होगी वो भिन्न भिन्न होगी ठीक है इसीलिए जब परमाणु द्रव्यमानों की संख्या हमारी भिन्न भिन्न होती है तो इसलिए उनकी न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है तो इसमें क्या हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो जाएगी फिर उनतीसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक माना जाता है देखो हमारे पास जो अनुवांशिकी के जनक हैं वो हमारे कौन हैं वैसे तो आपको पता ही होगा ये कौन है लेकिन आपको पता होना चाहिए जो मेंडल हैं ठीक है अनुवांशिकी के जनक मेंडल हैं ठीक है फिर अब देखते हैं कि बाकी क्या क्या है देखो भूगोल शास्त्र के जनक को हमने जनक कौन है जेम्स हटन है अनुवंशिकी के जनक कौन है अनुवंशिकी के जनक है ग्रेग जॉन मेंडल हैं जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं वनस्पति विज्ञान के जनक हमारे थ्रियोफ्रेस्टर्स हैं तो यानी कि अनुवांशिकी के जनक हमारे कौन हो जाएंगे ग्रेग जॉन मेंडल ठीक है देखिए तीसवा क्वेश्चन क्या कह रहा है तीसवां क्वेश्चन कह रहा है किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है ठीक है यानी कि सभी को देने वाला कहा जाता है ये जो है तो ये कौन सा हो जाएगा ए बी हो जाएगा ए बी पॉजिटिव देखिए निगेटिव इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि निगेटिव बड़े रे, बहुत रेयर माना जाता है रेयर ब्लड ग्रुप माना जाता है ठीक है तो किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है ए बी कहा जाता है चलिए ठीक है आज अभी तो जी के तीस क्वेश्चन है इसके बाद आपका जो मैथ है तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराई जाएगी वो भी आपको अभी थोड़ी देर में ही मिल जाएगी ठीक है धन्यवाद